3 दिसंबर को चुनाव परिणाम आने के बाद भाजपा को 3 राज्यों राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बहुमत मिला है। इसके बाद से मुख्यमंत्री के चयन की प्रक्रिया शुरू हुई है। रविवार को छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान कर दिया गया। विष्णुदेव साय को राज्य की कमान सौंपी गई है, लेकिन राजस्थान और मध्य प्रदेश में अभी तक तस्वीर साफ नहीं हो पाई है। राजस्थान की सियासी हलचल पर नजर डालें तो पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे एक बार फिर शक्ति प्रदर्शन करती दिखाई दे रही हैं। रविवार सुबह दिल्ली से लौटकर राजे जयपुर स्थित अपने आवास पर पहुंची। दोपहर बाद से ही भाजपा के कई विधायक राजे से मिलने उनके आवास पर पहुंच गए। राजे के दिल्ली से लौटने के बाद और विधायक दल की बैठक से पहले हुई इस मुलाकात को अहम माना जा रहा है। इधर भाजपा प्रदेश कार्यालय में हलचल तेज हो गई है। वहां की सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है और डॉग स्क्वाड की टीम भी मौके पर पहुंच गई है। ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि पार्टी की ओर से तय किए गए 3 पर्यवेक्षक, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विनोद तावड़े और सरोज पांडे देर शाम जयपुर पहुंच सकते हैं। ऐसे में पर्यवेक्षक आज रात को ही विधायकों के साथ चर्चा भी कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ बैठक चलने के आसार भी नजर आ रहे हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि सोमवार और मंगलवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 2 दिन लखनऊ में रहेंगी। ऐसे में लखनऊ के सांसद होने के नाते राजनाथ सिंह की मौजूदगी राष्ट्रपति के कार्यक्रम में भी प्रस्तावित है। रविवार को जयपुर पहुंचे केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जल्द ही एक सकारात्मक और नया संदेश आएगा। पार्टी आला कमान और राजस्थान के सभी विधायक उचित समय पर निर्णय लेंगे। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भी, निरंतर।